नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गपशप न्यूज में। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का केस लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के पास सुशांत के केस से जुड़े कुछ सबूत हो वे सामने आए। उनके इस बयान पर सुशांत की फैमिली के वकील ने कहा है कि उद्धव ठाकरे को कानून की जानकारी नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत को फैमिली के वकील विकास सिंह ने कहा कि यह एक क्रिमिनल केस है और यह प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी सच सामने लाने की ना शिकायत करने की। उन्होंने कहा, ये बड़ी ही अजीब स्टेटमेंट है। मुझे पूरा यकीन है कि उद्धव ठाकरे को कानून की जानकारी नहीं है। किसी क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी सच सामने लाना है, शिकायत नहीं। दुर्भाग्य से मुंबई पुलिस सच का पता नहीं लगा पा रही, बल्कि वे सुशांत के आसपास रहने वाले किसी भी व्यक्ति की जांच नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, अब इस काम को बिहार पुलिस पूरा करेगी। विकास सिंह ने कहा, रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में केस को बिहार से मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका दाखिल की है। इससे पहले वे कह रही थी कि मुंबई पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही, इसलिए CBI जांच होनी चाहिए। अब जबकि ये मामला पटना में दर्ज किया गया है, तो वे चाहती है कि इसे मुंबई पुलिस के पास ट्रांसफर किया जाए। तो आखिर ये असंतुष्ट किससे है? बता दें कि इस बीच रिया ने अपना एक वीडियो जारी कर कहा था कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। इस वीडियो के बारे में बात करते हुए विकास सिंह ने कहा, रिया के वीडियो में ये बात जरूरी नहीं कि वे क्या कह रही है, बल्कि ये है कि वे दिख कैसी रही है। मुझे नहीं लगता है कि वे अपनी जिंदगी में कभी भी इस तरह के सलवार सूट पहनती होंगी। इस वीडियो में वे खुद को एक साधारण महिला दिखाना चाहती हैं। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate, the truth shall prevail. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।